In this session, I'm going to discuss some important words which are very important for speaking English, spoken English. Okay? So, आज भी देखेंगे कि कुछ ऐसे words जो हमारे English को improve करेगा, जो हमारे English को better करेगा. जैसे कि पिछले दो क्लासेस में हमने देखा है कि बहुत सारे वर्ड को देखा है कि किस टाइप से वर्ड हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करता है. तो चलिए आज भी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इंग्लिश स्पोकन के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज फॉन्ड ऑफ. वी नो वेरी वेल, वी इंट्रोड्यूस दिस वर्ड वेरी वेल. फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना. Means what? Fond का मतलब क्या होता है? Fond of means शौकीन. जैसे हम बोले वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, मेरी माँ खाना बनाने का शौकीन है, मेरा भाई पढ़ने का शौकीन है, वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. देखिए इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा फास्टली ट्राई करना है. फास्टली पहले हमने कल ही बताया था कि पहले आपको क्या करना है, लिसन करना है, सुनना है, फिर लिखना है, फिर बोलना है. ओके तो चलिए इसे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे हम बोले आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं. वह कार चलाने का शौकीन है तो क्या हम बता देंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार. ड्राइविंग कार. अब एक बात ध्यान रखिए कि फॉन्ड ऑफ हमारा प्रीपोजिशन यहाँ रहा है, इसके बाद हम वर्ब फोर का यूज करेंगे. ठीक है ना, इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब फोर का यूज करेंगे. हमने बोला मेरा भाई वहां जाने का शौकीन है. ठीक है ना, कहने का अर्थ है कि आप इससे कई सेंटेंसेस बना सकते हैं. सेकेंड सेंटेंस इसी टाइप का देखिए, होता है फील लाइक. फील लाइक, मन करता है, दिल करता है, मन कर रहा है, दिल कर रहा है. आदमी बोलता है ना, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ठीक, मेरा मन कार चलाने का कर रहा है. ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों सेंटेंस हम लोग इससे बना सकते हैं. जैसे हमने बोला मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो हम क्या इसको बनाएंगे, आई फील लाइक ईटिंग चॉकलेट. ईटिंग चॉकलेट्स. ठीक है, उसे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है तो क्या बनाइएगा, ही feels like playing cricket. Playing cricket. Okay? तो इसका मतलब होता है दिल कर रहा है, मन कर रहा है. हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एक स्ट्रक्चर समझिएगा, आप भी समझेंगे. सब्जेक्ट इज आर एम, ठीक है, प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स होता है वाला है, वाली है, वाला है, वाली है. जैसे ये क्या बताता है, किसी काम को होने के लिए बताता है. मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम टू गो. वह यहां आने वाली है, सी इज टू कम. ठीक है, तो इससे भी हम कई सेंटेंसेस बोल सकते हैं. जैसे एक दो एग्जांपल देखिए, ही इज टू स्पीक इंग्लिश. ही इज टू स्पीक इंग्लिश. वह अंग्रेजी बोलने वाला है. ठीक है ना, इसी में एक और सेंटेंसेस हमारा हो जाता है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस अबाउट टू. समझिएगा थोड़ा सा, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस अबाउट टू. अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या बताता है, वाला ही है. ठीक है ना, कोई भी इमेडिएट एक्शन के बारे में बताता है, जो तुरंत होने वाली घटना है. जैसे मैं पटना जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो टू पटना. ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूँ, वह यहाँ आने ही वाली है. मतलब इम्फेसाइज करके कोई भी काम जब इमीडिएट एक्शन को बताना रहेगा तो हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं. हम लोग किसका यूज करते हैं, माय डियर स्टूडेंट, अबाउट टू का यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. ओके, ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इस पर प्रैक्टिस करना होगा. वन डे यू मस्ट बी स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश. ठीक है ना, आगे भी कुछ वर्ड देखिए. जैसे उसी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है. हमने बोला इंटरेस्टेड इन, आप भी सुने होंगे, इंटरेस्टेड इन. इंटरेस्टेड इन, ठीक है, इंटरेस्टेड इन का भी मतलब वही होता है. जैसे हमने बोला आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट,
सी इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना, ठीक, मन लगना भी आप कह सकते हैं। तो उसी टाइप का ये भी वर्ड है। जैसे एक तो एग्जांपल देख लीजिए, माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग कार। हम लोग इससे भी इंटरेस्टेड इन से भी बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इससे भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग को क्या करना है कि छोटे छोटे सेंटेंस से लेकर बनाना है। और वन डे हम बहुत बार बता दिए हैं कि छोटे छोटे प्रयास से हम लोग कहां जाएंगे, धीरे 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 बहुत ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां तक आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।